shine bright up all night. We're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes. We're bound to hit the ground. Gotta keep this feeling, keep on breathing. सबसे पहले हम अपने फेस पे प्राइमर लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर लिया है, फोटो फिनिश प्राइमर। इससे फेस काफ़ी ज़्यादा क्लीन लगता है। उसके बाद मैं मेबेलिन का कंसीलर ले रही हूँ इन द शेड सैंड 122, और इसे मैं अपने आईज के नीचे, ऊपर और फेस पे लगा ले रही हूँ, और इसे हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। तो फेस देखिए कितना शाइन कर रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिटमी का अगेन मेबेलिन का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, तो इसे भी मैं अपने फेस पे लगा लूँगी। एंड मेक श्योर कि आप ज़्यादा ज़ोर से रब ना करें अगर हाथों से कर रहे हैं। उसके बाद मैं स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर ले रही हूँ, जो कि आप सेटिंग स्प्रे के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे उसे मैंने स्प्रे कर लिया। उसके बाद मैं अपने आईब्रोज बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं लॉरियल का आईब्रो किट यूज़ कर रही हूँ, जो कि ब्राउन शेड में है, और मुझे ये किट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आई बेस लगा रही हूँ, जो कि निक्स ब्रांड से है, और गाइज इस तरीके से हम इसे भी अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट पैलेट से ही येलो शेड यूज़ कर रही हूँ, और जस्ट बिकॉज कि मेरा ड्रेस आज येलो है, तो एक सिंपल सा येलो मेकअप है, इसमें कोई भी कट क्रीज नहीं होगा, तो इट इज़ जस्ट ओनली येलो इन द आईलिड, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड क्लीन लगेगा कुछ इस तरीके से। और गाइज मैं आँखों के नीचे भी लगा ले रही हूँ हल्का सा, एक ब्राइट लुक देने के लिए। एंड हाँ, मैंने इसके पहले ना वेट वाइल्ड का वाइट काजल यूज़ किया था, और अभी मैं लैक्मे का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने फेस पे कंटोर कर रही हूँ लाइक दिस, तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको स्लिम दिखाना है वहाँ पे कर सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद मैं अपने फेस पे ब्लश अप्लाई करूँगी, और जो कंटोर किया उसे भी ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से। फिर मैं हाइलाइटर यूज़ करूँगी, और उसे अपने नोज़ के बीच में, अपने हाई चिक पॉइंट पे और चिन पे, और अगर आपको फोरहेड पे भी लगाना है तो आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं, और इस तरीके से अपने फेस पे थोड़ा सा शाइन दे दूँगी। उसके बाद मैं बेकिंग कर लूँगी, तो जस्ट मेबेलिन का फिटमी का ही लूज़ पाउडर यूज़ करके मैं बेकिंग कर ले रही हूँ लाइक दिस। और गाइस उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि ऑम्ब्रे शेड में है और मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ फ्रॉम माय ग्लैम, और ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये ड्राई होने के बाद काफ़ी अच्छा मैट फिनिश देता है। और उसके बाद मैं लॉरियल का ही मस्करा यूज़ कर रही हूँ, जिसमें प्राइमर भी रहता है, तो ये हमारे आईलैशेस को और भी बड़ा कर देता है। तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो फिर आप फॉल्स आईलैश यूज़ ना करो। और उसके बाद अपने आँखों के कॉर्नर में सिल्वर लाइन कर दूंगी, जस्ट एक थोड़ा सा हिंट देने के लिए। एंड देख, एक हाइलाइटर लेके आईब्रो के नीचे थोड़ा सा हाइलाइट कर दूंगी, जिससे मेरे आईब्रोज के वहाँ पे भी थोड़ा सा चमके, राइट। एंड नाउ द फाइनल लुक इज़ कम्प्लीटेड। गाइज अगर आपको मेरा ये लुक अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि आप नेक्स्ट और कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। मैं ऐसे ही सिंपल मेकअप टिप और भी लेकर आऊँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस लवली वीडियो। जल्दी से मेरे चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर्स कर दीजिए। ओके, बाय बाय।